अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे नवाबी चिकन दम बिरयानी। आइए देखते हैं नवाबी चिकन दम बिरयानी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और कैसे बनाते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चिकन, देखिए 700 ग्राम चिकन है। हमने चार पानी से विनेगर डालकर अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने लिया है 3 मीडियम साइज की प्याज, इसे हमने कट कर लिया है और गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। और हमने लिया है 300 ग्राम दही, आधा कट्टा कोथमीर का और आधा कट्टा पुदीने का, 4 हरी मिर्च। खड़े मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 4 लौंग, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 नींबू लिए उसका रस निकाल लिए, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। देखिए पहले अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम एक बोल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे चिकन, 700 ग्राम्स चिकन ऐड करेंगे। अब हम चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, नमक, दालचीनी के टुकड़े, लौंग, इलायची, गरम मसाला पाउडर, शाहजीरा, हरी मिर्ची का पेस्ट, धनिया पाउडर, इलायची पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, अब हम ऐड करेंगे हरा मसाला, थोड़ी सी कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च ऐड करेंगे। देखिए अब हम फ्राई कर लिए सो प्याज ऐड करेंगे, इसे इस तरीके से चूर कर डालिए। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल, 1/2 नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। अब हम इसको लिड लगाकर आधे घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख देंगे। देखिए हमने अदहन का पानी चढ़ा लिया है भगोने में, हमने 2 लीटर पानी लिया है 700 ग्राम चावल के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, ऐड करेंगे दालचीनी के टुकड़े, इलायची, लौंग और शाहजीरा, थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे, थोड़ा पुदीना, 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, 3 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे चावल सॉफ्ट होने के लिए। अब हम ढक्कन ढक के हाई फ्लेम पे उबाल आए तक पका लेंगे। देखिए हमने 700 ग्राम बासमती राइस लिया है, इसे हमने 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए भिगने के लिए रख देंगे। ये आधा घंटा हो गया है, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है, ये देखिए। अब हम इसे दम के लिए भगोनों में ऐड कर लेंगे। देखिए अब हम इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे।
देखिए ढक्कन ढक के अब हम इसे साइड पे रख देंगे। देखिए हाई फ्लेम पे उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। देखिए अब हम चावल का पानी निथार लेंगे। देखिए इस तरीके से छन्नी में डालकर निथार लीजिए, छान लीजिए चावल को। अब हम चावल ऐड कर लेंगे। देखिए इसे मिक्स कर लीजिए। अब हम ढक्कन ढक के उबाल आए तक पका लेंगे। देखिए हाई फ्लेम पे उबाल आ गया है। अब हम चावल को 80-90% तक पका लेंगे। ये देखिए चावल 80-90% गल गए हैं। अब हम इसे निथार लेंगे। देखिए अब हम पिंच का पानी निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से निकाल लीजिए। देखिए चावल निथार लिए। अब हम मसाले में चावल ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अब हम चावल ऐड करेंगे। देखिए आधे चावल की लेयर बन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोथमीर, थोड़ा पुदीना, थोड़ी तली हुई प्याज। अब हम फिर से लेयर बनाएंगे। ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पिंच का पानी, थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे कलर, अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून तेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, तली हुई प्याज ऐड करेंगे। अब हम ढक्कन ढकेंगे दम के लिए। देखिए चूल्हे पर ढक्कन रखेंगे दम के लिए। अब हम इस पे भगोना रखेंगे। ढक्कन रख रहे आप चाहे तो तवा भी रख सकते। अब हम इस पे भगोना रखेंगे दम के लिए। और वजन के लिए ढक्कन पे वजन रखेंगे कुछ दम के लिए। अब हम हाई फ्लेम पे 7-8 मिनट पकाएंगे और सिम पे 15-20 मिनट पकाएंगे नवाबी चिकन दम बिरयानी दम होने के लिए। ये हाई फ्लेम पे 7-8 मिनट हो गए हैं और सिम फ्लेम पे 15-20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए नवाबी चिकन दम बिरयानी दम हो गई है। ये देखिए अब हम चिकन बिरयानी को इस तरीके से सर्व करेंगे। तली हुई प्याज ऐड करेंगे, कोथमीर ऐड करेंगे। देखिए आप इस तरीके से सर्व कर लीजिए चिकन बिरयानी को। नवाबी चिकन दम बिरयानी डिश आउट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ हमने बनाई है दही की चटनी और सलाद। आप इसे स्पेशल ओकेशन पे बना सकते हैं। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीका है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।